सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हमारे जो है इस वाले गेम में जो है कितने सारे डाइनो हमारे पास पड़े हुए हैं, कौन कौन सी स्किन है और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें कि हमारे जो टोटल 40 के 40 स्लॉट जो हैं पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं और मैं 400 डाइनो को आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और साथ साथ इसमें कुछ रेयर भी डाइनो हैं जो कि शायद ही आप लोगों के पास होंगे, वैसे ज़्यादातर चांस होंगे कि आप लोगों के पास होंगे बट ज़्यादातर चांस होंगे नहीं भी होंगे। ऑलराइट, सो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मेगाथीरियम जो कि रेयर डाइनो होता है आर्क सर्वाइवल में और साथ साथ ये ईडी वाला मेगाथीरियम है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है थैरी भी है, थैरी जो है ईडी वाला तो नहीं है, हाँ मगर दूसरे वाले बेस पर ईडी वाला हो सकता है क्योंकि हर एक डाइनो मेरे पास जो है सारे ऑलमोस्ट ईडी हैं जो डंजन से मिलते हैं मुझे, उन सभी को टेम कर रखा हूँ, सारे ईरी हैं बट कुछ डाइनो हैं जो ईरी नहीं है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए ब्रुंटो की, तो ब्रुंटो को तो मैंने बहुत पहले टेम करा था जब मेरे पास बिल्कुल डाइनो वगैरह नहीं थी तब। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत सारे डाइनो मैंने रख रखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मेगलासोरस है, ये मेगलासोरस दोनों के दोनों जो ईरी मेगलासोरस है, तो मैं इसके अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, मैं रोटी मार के आता हूँ पूरा। सो दोनों के दोनों मेगलासोरस ईरी वाले हैं, ये वाले जो है डाइनो गाइस ना आपको केव में तो मिलेंगे बट आपको ईडी वाले नहीं मिलेंगे, इसको भी आपको डंजन से लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमारे पास शैली भी है, तो ये भी दो दो का पेयर है, एक को क्रोनिकल कर रखा हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। और इसके अलावा यहाँ पे पेट्रा भी है, पेट्रा भी ईडी वाला है, इसको भी पेट्रा वैसे और भी बहुत पेट्रा है मगर उनको ईडी कर रखा हूँ। यहाँ पे भालू भी है, भालू से बोले तो डायर भी है, इसको भी ईडी कर क्या मतलब ईडी है, और एक को क्रोनिकल कर रखा मतलब और भी बहुत हैं, सारे के सारे पेयर्स में होंगे और या फिर पेयर्स ज़्यादा होंगे बट जो ज़्यादा होंगे वो ईरी नहीं होंगे। क्वेटजल है तो क्वेटजल जो है गाइस ईरी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास ईरी क्वेटजल मिला ही नहीं, तो शायद ईरी क्वेटजल मिले और डंजन में तो ईरी क्वेटजल आता भी नहीं है इसलिए ईरी नहीं है मेरे पास। इतने सारे डायनो यहाँ पे हैं। और इसके अलावा चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अब मेरे दूसरे वाले बेस पे, उससे पहले चलिए मैं आपको कुछ पानी वाले डायनो दिखा देता हूँ। कुछ पानी वाले डायनो यहीं पे हैं और कुछ पानी वाले डायनो ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह पे हैं, मतलब इधर उधर मैं छोड़ देता हूँ। चलिए उस साइड जाना पड़ेगा हमें हमें जो है उस साइड जाना पड़ेगा। देयर वी गो। सो कुछ डायनो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं और कुछ पानी वाले डायनो हैं और कुछ को ऑलरेडी जो है मैंने इधर उधर कहीं पर बिखेर रखा है तो वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टिप जा रहा है जो कि टिप जा रहा है भी ईरी वाला है हमारा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑटर है, ऑटर भी हमारा ईरी वाला गाइस क्योंकि इसे भी डंजन से लेके आया हुआ हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो है इसका क्या नाम है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, बेसला सोर्स है, इसका लेवल भी बहुत अच्छा खासा है देख लीजिए अपने लिए। इसके अलावा जो है गाइस हमारे पास जो है दो दो यहाँ पे इसका क्या नाम है, नाम भूल जा रहा हूँ मैं, इन सभी का नाम मुझे पता है मगर मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑलरेडी मैं नाम देख के बताता हूँ आप लोगों को, मोसासॉर्स। सो यहाँ पे दो दो मोसासॉर्स हैं, एक टूसो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, देखिए सामने टूसो दिख रहा होगा इसके अलावा जो है गाइस मेरे पास एक इक्ती भी है, इक्ती सोरस जो कि पानी वाली डायनो होते हैं, मेगलाडॉन भी है। मेगलाडॉन के अलावा जो है मेरे पास काप्रोसचस है, इसके अलावा जो है मेरे पास क्या नाम है मगरमच्छ को क्या बोलते हैं आर्क में, सार्को, मेरे पास सार्को भी पड़े हुए हैं, सारे ईरी मिलेंगे आपको, सार्को भी ईरी मिलेगा सारे डाइनो, बट पता नहीं वो सब कहाँ पे इस समय है या फिर क्रोनिकल तो नहीं किया होगा बट हाँ कहीं ना कहीं होंगे सब पूरे आर्क मैप में कहीं ना कहीं होंगे। चलिए फिलहाल अभी उनका कोई काम नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने दूसरे वाले बेस पे। ओ भाई ये मेरा डाइनो कैसे मर गया, इस पर सेडल पड़ा हुआ है, ये देखिए ये मर गया कैसे। फ्योमिया है भाई, कैसे मर गया ये, पता नहीं कैसे मर गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दूसरा फ्योमिया टीम कर लेंगे जाने दीजिए। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मेन वाले बेस पे। सो ये मेरा टेम्पररी बेस था, मतलब जब मैं पहले खेल रहा था तब मैंने इस वाले बेस को बनाया हुआ था
अभी जो है मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे वाले बेस पे, जो कि यहाँ पे है, और ये मैं टेलीपोर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिखा रहा होगा डे 190, मतलब 190 दिन तक खेल रखा हूँ मैं इसमें, तो 190 दिन ईजी नहीं है क्या इसे खेलना। अगर आप लोग गॉड कंसोल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो तो 190 दिन गुजारना एक एक छड़ के बराबर, मतलब आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। खैर चलिए अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मेरे पास और कौन कौन से डायनो है। सो यहाँ पे मेरे पास क्वेटजल पड़े हुए हैं दो दो, और एक में से एक इसमें से असेंडेंट क्वेटजल है, ये वाला असेंडेंट क्वेटजल है। देख लीजिए इसका स्पेस वगैरह 13,000 प्लस इसका वेट है, और इसके अलावा ये वाला नॉर्मल है, ब्रीडिंग के लिए ला रखा था। अब चलिए मैं और भी आपको डायनो दिखाता हूँ, और सारे सारे पेयर्स में होंगे या फिर ज़्यादा ही होंगे, बट क्रॉनिकल करने की वजह से जो है आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखिए आरजे भी है, आरजे को मैंने असेंडेंट बना रखा है। आरजे के अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेक्स, रेक्स भी ईडी वाला है, दो दो होंगे जिसमें से एक को क्रॉनिकल कर रखा है। ममंत है, ममंत भी दो था, मैंने एक को क्रॉनिकल कर रखा है। ममंत के अलावा यहाँ पे देखिए टेप जा रहा एक और है जिसपे जो कि ईडी वाला है, बट इसके पास भी जो है टेकस सैडल है, पिछली वाला जो है उसके पास टेकस सैडल नहीं था। यहाँ पे स्कॉर्पियन भी रख रखा है ताकि जो है हमें जो है कुछ डायनो को टेम करने में ईजी हो। गीगा भी मेरे पास है जो कि दो तीन या फिर चार गीगा हो सकते हैं मेरे पास, और यहाँ पे एक ही मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए तो ये वाला डायनो है जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी स्टेमिना मैंने काफ़ी ओपी कर रखी है, साथ साथ डैमेज वगैरह भी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ट्राइस है, ये भी ईडी वाला है। इसके अलावा ये पत्थर कलेक्ट करने वाला, ये भी ईडी वाला है। और इसके अलावा हमारे पास जो है फॉर्मिंग मेटल फॉर्मिंग वाला भी होगा जिसका नाम एल्काइलो होता है, वो भी होगा, कहीं क्रॉनिकल करके रखा होगा या फिर इधर उधर कहीं पे घूम रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे दो दो हमारे पास यूनिकॉर्न है। इसके अलावा यूनिकॉर्न्स के अलावा यहाँ पे देखिए डिओडॉन भी है हमारे पास। डिओडॉन के अलावा और कुछ बच गया क्या, और कुछ बचा कि नहीं? सामने ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर भी एक ईडी दिख रहा होगा, क्या नाम है उसका, स्पाइनो। एक ईडी स्पाइनो होगा, स्टीगो होगा, और क्या था, एक कंगारू वाला होगा। कंगारू क्या बोलते हैं गाइस, कंगारू को पता नहीं क्या बोलते हैं, जो जंप लंबा लंबा जंप लेता है वो वाला भी होगा। खैर इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली, इसके अलावा मैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए कुछ डायनो क्रॉनिकल करके रखे हुए हैं, उनके बीपीस कहाँ हैं मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ शायद इन सभी बॉक्सेस में हो। हाँ तो यहाँ पे देखिए 50 जो है क्रॉनिकल किए हुए डायनो आपको दिख रहे होंगे, ये सारे सारे टीम है जो कि मैंने जो है टीम कर रखे हैं 50 के 50। और कुछ दिख रहा है क्या इधर आसपास, कोई बॉक्स वगैरह? बहुत दिन हो गए हैं सभी चीज़ों को देखे हुए मुझे। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें जिसमें जो है इम्प्लांट्स वगैरह लॉक होते हैं, इनमें भी जो है सारे सारे ईडी वाले डायनो को मैंने जो है रख रखा था, हालांकि ग्लिसेज वगैरह की वजह से जो एक्सपायर हो गए हैं, ये काम सही से नहीं कर रहा था, सोलो में सही से नहीं काम करता, मल्टीप्लेयर में सही से काम करता है। खैर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे बेस पे है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं मतलब बहुत दिनों से इस वाले में खेल रहा हूँ, इस वाले वर्ल्ड में खेल रहा हूँ, ये मैंने एकदम बिल्कुल जीरो से बना रखा था, तब से अब तक ले खेलते खेलते इतनी सारी चीज़ें मैंने, इतने सारे डायनो टीम कर लिए, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली सारी की सारी। सो अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि मैंने जो है कैसे कैसे ये सारी चीज़ें की है, तो मैंने सारी वीडियो अपलोड करके करीब करीब मुझे लगता है कि एक साल के पीछे का सारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा इन सभी चीज़ों को बनाने और सब कुछ करने में। हालांकि फिर बीच में गॉड कंसोल वगैरह मिल गया था, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैंने यूज़ कर लिया गॉड कंसोल का, जिससे हमें रिसोर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा मिल गए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें गाइस इस वाले सेव डाटा में है, देने के लिए नहीं है, सॉरी मतलब बस दिखाने के लिए था।